देवास जिला वन क्षेत्र के अंतर्गत सुअर के शिकार का मामला सामने आया है। मामले में वन विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही है, हालांकि शिकारी फरार होने में सफल रहे। वन परिक्षेत्र जीनवाणी की बीट हीरापुर दक्षिण के कक्षा क्रमांक 773 से लगी राजस्व विभाग की सीमा के खेत में दो जंगली मादा सुअर का शिकारियों द्वारा शिकार कर मार दिया गया। इधर मुखबिर से सूचना मिलने पर वन परिक्षेत्र पानीगांव बिजवाड़ के वन रक्षक नारायण प्रसाद तिवारी को घटना की जानकारी लगी तो वे अपने स्टाफ सहित घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर खेत पर बनी एक टापरी के अंदर देखा तो दो मादा सुअर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। वहीं मौके पर कोई भी शिकारी नहीं मिला, वह मौके से फरार हो गए। तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर हम लोग स्टाफ सहित घटनास्थल पर आए, अधिकारियों को जानकारी दे दी है। ये मामला वन परिक्षेत्र जीनवाणी रेंज में हुआ है। एक सोचने वाला पहलू ये भी है कि वन परिक्षेत्र जीनवाणी की रेंज में इतना बड़ा मामला हो जाता है, लेकिन वहां के नाकेदार डिप्टी रेंजर को खबर तक नहीं। इन जंगली मादा सुअरों का पोस्टमार्टम करवाकर जो भी शासकीय कार्रवाई है वह की जाएगी। घटनास्थल से 6 मोटरसाइकिल, शिकारी के डंडे व शिकारी का जाल बरामद किया गया है। इस दौरान वन रक्षक नारायण प्रसाद तिवारी, डिप्टी रेंजर मोतीलाल मीणा, डिप्टी रेंजर तुलसीराम कहार, वन रक्षक दीवान सिंह जादौन, वन रक्षक पंकज सिरोलिया, वन रक्षक अरुण ओझा, वन रक्षक फूल सिंह जाधव, संतोष बावरा, पवन जाट, कृष्णकांत भूरिया घटनास्थल पर मौजूद थे। आज का घटना का मामला यह है कि आज हमारे यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में गिद्धगणना की जा रही है जी। उस गिद्धगणना के अनुसार सभी पूरा फील्ड स्टाफ अपने अपने फील्डों में गिद्धगणना के लिए गया हुआ था जी। जो सुबह सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक की जाना थी। इसी बीच में हमारे स्टाफ श्री नारायण तिवारी जी को मैसेज मिला है कि यहाँ पर वाइल्ड बोर जंगली सुअर का शिकार हुआ है, और जैसे ही उनको खबर मिली वो 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पहुँचने के बाद उसने उनके द्वारा सभी स्टाफ को खबर की गई जी, जिसमें मेरे को भी खबर मिली है और मैं तुरंत यहाँ पे पहुँच गया। सर कितने सुअर मृत पाए गए? यहाँ पर दो मादा सुअर का शिकार हुआ है। दीवान सिंह जादौन वन रक्षक किलोदा भी, सूचना मेरे को तिवारी द्वारा मिली के वहाँ शिकार हो रहा है। हाँ। मैं कलवार से आया, शिकार हुआ है यहाँ के, देखा तो मौके पर दो सुअर मारे हुए पाए गए जिनको टप्पर के अंदर रखा हुआ है, और मौके से 5-6 गाड़ी हमने जब बरामद हुई भिजवाड़ जा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मामला है। हम गिद्धी की गणना पे गश्त पे निकले थे, पता लगा कुछ मुखबिर द्वारा सूचना मिली, यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, आंखें देखा तो यहाँ शिकार का मामला मिला। दो शिकार मिले और कुछ लोग यहाँ खड़े हुए थे हथियार लेकर। हमारे आने पे जैसे ही हम मोटरसाइकिल से उतरे, देखे हमको, देख कर भाग गए। दोपहर न्यूज के लिए सतवास तहसील से पत्रकार दीपक शर्मा की रिपोर्ट।